الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک پڑھ لیں بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام محترم بزرگوں اور دوستو آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں سپارہ سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے
दुआ फरमाओ कि मौला करीम मुझ हकीर पुर तकसीर को शरह सदर के साथ इसके मुताबिक बयान करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। बयान के बाद अल्लाह तबारक व तआला मुझ हकीर को और आप को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और मौला करीम हर मुसलमान को मरते वक़्त कलमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। बुलंद आवाज़ से आमीन के। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस माह मुबारक के अंदर मेरे और आपके महबूब पैगंबर आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर महबूब रब जुल जलाल बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने उलमाए कराम से सुना होगा कि आपकी आमद से पहले इस दुनिया के अंदर जुल्म की इंतहा थी किसी की पहचान नहीं थी, वालदैन की पहचान नहीं थी, माशरे की पहचान नहीं थी, इंसानों की पहचान नहीं थी। वो लोग नेकी और बुराई में तमीज़ नहीं करते थे। तमीज़ तो दरकिनार आपने उलमा से सुना होगा कि उस दौर के अंदर जुल्म करने के बाद फख्रिया तौर पर वो लोग बाहर आकर जो है अपने गुनाहों को बयान करते और बैठकर जो है महफलों में जिरगे के अंदर बड़ी बड़ी मजलिसों के अंदर वो इंसान अपने गुनाहों के फख्र किया करते कि रात हमने फलां गुनाह किया, फलां काम किया, चोरी की, शराब पी, जिना किया, डकैती की। आपकी तशरीफ आवरी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान पाक की सूरत के अंदर कुरान पाक की नजूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर उतारने के बाद इस दुनिया को रहने और सहने का जो अंदाज और तरीका सिखलाया। मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पांव के तलवे से लेकर सर के बाल तक इंसान के लिए इस दुनिया में रहने के जो उसूल हैं, मेरे और आपके महबूब पैगंबर सब कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए। अल्लाह करीम ने इन अहकामात को कुरान पाक के अंदर नाजिल फरमाया। अगरचे उस दौर के अंदर भी अल्लाह की इबादत के मुतल्लिक लोग बेहराह रवि का शिकार थे, वालदैन के मुतालिक लोग बेराह रवि का शिकार थे, मुआशरे के हिसाब से लोग बेराह रवि का शिकार थे, अल्लाह की इबादत को भुलाकर बुतों की तरफ खुद भी मायल थे, खुद भी ये काम करते और अवाम उन्नास को भी बुतों की तरफ झुकाते। अपने वालदैन में से उलमाए कराम मौजूद है, किताबों के अंदर ये बात लिखी है अहादीस की किताबों में कि अगर सोतीली माँ होती उससे निकाह करना, जिनाह करना फख्र समझते, लेकिन अल्लाह करीम ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर सब को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजकर आपकी प्यारी जुबान मुबारक से ऐलान करवा के अपनी इबादत के मुतालिक भी उसूल कायम कर दिया और वालदैन के मुतालिक भी उसूल कायम किए और मुआशरे के अंदर जो भी रहन सहन का तरीका है, जो भी उसूल हैं, हमसायों के पड़ोसियों के उसूल हैं या वालदैन के हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह के लाडले पैगंबर का हक है,
और इसके अलावा भी जानवरों का हक है या दरिंदों चरिंदों परिंदों का हक है, सारे के सारे हकूक मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान मुबारक से हमें ये बात बतला दी और समझा दी। आज के इस मुआशरे के अंदर अक्सरियत का यही हाल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से भी नाला हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से भी दूर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से भी भागते हैं। और सबसे बड़ी जो कमी है इस वक्त वो एक नौजवान अपने वालिदैन की कदर नहीं करता, अपने वालिदैन की इज्जत और अजमत को नहीं पहचानता। आज के नौजवान के अंदर ये दोनों कमियां शिद्दत से महसूस की जा रही हैं कि एक तो अल्लाह की इबादत से दूर है, नमाज की सूरत हो, रोजे की सूरत हो, नवाफिल की सूरत हो, हर चीज से आज का नौजवान आरी है और दूर है, पीछे है। अगर किसी चीज के नजदीक है वो फकत सिर्फ और सिर्फ एक आज के दौर में नेट आ गया कि नेट पर जो है एक बच्चा बैठा है, उसको अपने वालदैन की बात अपने वालदैन के हुक्म का एहसास नहीं, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो बुलावा आता है उसका एहसास नहीं। हमने अपने शहर में देखा है कि बाज़े इंसान ऐसे हैं उनके करीब में अजान मिल रही हो तो वो अभी इतना मगन होता है नेट में कि उसको ये भी मालूम नहीं होती कि अजान हुआ अजान हुई या नहीं हुई, इतना भी इलम नहीं होता। वजह कि आज का इंसान नेट के अंदर इतना मगन है, आज का इंसान फेसबुक पर इतना मगन है, आज का इंसान सोशल मीडिया के अंदर इतना मुनहमिक हो चुका है कि आज के नौजवान को ना अल्लाह की इबादत का इलम है और ना अपने वालदैन के मकाम का पता है। आपके यहाँ तो शायद वालदैन की इज्जत होगी, अजमत होगी, आपके यहाँ तो शायद इबादत का मकाम इलम होगा, पता होगा साथियों को। हमारे वहाँ बहुत कमी है इस बात की, खास कर नौजवानों के अंदर। तो इसी निस्बत से मैंने इस आयत मुबारक को तिलावत किया है कि आपके बारे आपको इस बारे इलम हो, आपको इस बात का इलम हो, आपको ये मालूम हो कि कुरान पाक मुझे और आपको किस अंदाज से अपने वालदैन के साथ मुखातिब होने का हुक्म देता है और अल्लाह के लाडले पैगंबर की प्यारी जुबान मुबारक से अल्लाह ने हमें क्या बात बतलाई है, अल्लाह करीम का क्या हुक्म है, हमें इस बात का इलम होना चाहिए। क्यों ये चंद रोज़ा जिंदगी है, इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत अमल कर लिया तो इंसान का हमेशा वाली जिंदगी में बेड़ा पार है। अगर यहाँ हम नाकाम होकर चले गए तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों फिर ना कब्र में अमल का वक़्त मिलेगा, ना हशर में अमल का वक़्त मिलेगा। वहाँ अमल का वक़्त नहीं, अमल का वक़्त इस दुनिया में है, वहाँ सिर्फ जजा है या सजा है, आमाल यहाँ है। एक जगह लिखा है एक बुजुर्ग के हवाले से कि दुनिया के अंदर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह देना, आखरत के 70,000 मर्तबा कुरान पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है। 70 मर्तबा नहीं, 70,000 मर्तबा। एक आदमी 70,000 मर्तबा कुरान पढ़ता है, कुरान खुद कहता है कि एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। अब वो 70,000 कुरान पढ़ता है, दुनिया में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह देता है, आप भी कहें सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह। ये एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आखरत के 70,000 कुरान पढ़ने से भी ज्यादा अफजिलियत का मुकाम रखता है। 70,000 मर्तबा कुरान पढ़ने में काफी दिन लग जाते हैं, काफी रातें लग जाती हैं, और सुबहान अल्लाह कहने में 2 या 4 सेकंड लगते हैं। ये दुनिया के इस वक्त की कदर व कीमत मेरे और आपके महबूब पैगंबर सब को बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई। तो आयत करीमा के अंदर अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया,
मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। कहो सुभान अल्लाह, आवाज़ से कहो, अल्लाह ने जुबान दी है, आवाज़ से कहो सुभान। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर जब इंसान जो है दुनिया के अंदर आता है, जब इंसान माँ के पेट से दुनिया के अंदर आता है, बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद जवान हो जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब मुकल्लफ बन जाता है उस इंसान ने जो है अपने आमाल का सिलसिला शुरू करना है। उस इंसान ने नमाज शुरू करनी है, ज़कात शुरू करनी है, हज शुरू करना है, रोज़ा शुरू करना है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम ने सबसे पहले एक हुक्म इंसान के लिए नाजिल फरमाया, वो हुक्म क्या है? कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वालदैन से पहले भी अल्लाह की ज़ात है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया दोस्तों से पहले भी अल्लाह की ज़ात है, और पड़ोसियों से पहले भी अल्लाह की ज़ात है, नेट से पहले भी अल्लाह की ज़ात है, सोशल मीडिया से पहले भी अल्लाह की ज़ात है, फेसबुक से पहले भी अल्लाह की ज़ात है, व्हाट्सएप से पहले भी अल्लाह की ज़ात है, नेट से पहले, मोबाइल से पहले किसकी ज़ात है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहो कि सबसे पहले किसकी ज़ात है? बुलंद आवाज़ से कहो, अल्लाह की। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को सब कुछ अता किया। आप जिस ज़मीन पर बैठे हैं, ये नेट की मलकियत है या अल्लाह की मलकियत है? अल्लाह की मलकियत है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम ने इंसान के दिमाग के अंदर यही बात बैठाई है, इंसान को यही बतलाया कि सबसे पहले इंसान के लिए अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि आज का नौजवान अल्लाह की ज़ात को पीछे रखता है, अपनी बिरादरी को पहले रखता है। आज का नौजवान अल्लाह की ज़ात को पीछे रखता है, नेट और सोशल मीडिया को पहले रखता है। आज का इंसान जो है अल्लाह के अहकामात को भूला हुआ है। लेकिन अल्लाह करीम ने वाज़ अल्फाज में इरशाद फरमाया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, के ऐ नौजवान ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा ले कि सबसे पहले अगर कोई है वो अल्लाह की ज़ात है, और सबसे पहले अगर किसी की इबादत करनी है अल्लाह की ज़ात की करनी है। सबसे पहले जिसका हुक्म मानना है वो अल्लाह की ज़ात का हुक्म मानना है। उलमाए कराम मौजूद हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि अगर एक तरफ इंसान के वालदैन हो, एक तरफ इंसान की बिरादरी हो, एक तरफ इंसान के दोस्तों, एक तरफ इंसान की ख्वाहिश हो, एक तरफ इंसान के लिए अपनी महबूब चीज हो, दूसरी तरफ अगर अल्लाह की जात हो, तो इंसान के लिए हुक्म है कि सब की सब चीजों को खत्म करके अल्लाह के दर पे आए। ये हुक्म है जी। सबसे पहले कौन सी जात है? बुलंद आवाज़ माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी कह दें ताकि सवाब मिले आपको, और आखिरत में इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इबादत के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह करीम ने जो है वालदैन के मुतल्लिक बड़ा हुक्म इरशाद फरमा दिया, बड़ा हुक्म नाजिल फरमा दिया। उलमाए कराम मौजूद हैं कि अल्लाह की ज़ात के मुत्तसिल बाद अल्लाह ने वालदैन का मकाम बतलाया, अपनी ज़ात के साथ वालदैन को मुंसलिक कर दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ अटैच हो जाती है, उसको उसका मकाम समझाना, उसको उसका मर्तबा बतलाना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर आपके शहर के अंदर अगर वज़ीर आज़म तशरीफ ले आएँ, उसके सबसे करीब जो इंसान होगा, हर इंसान को पता चलेगा कि इसका मकाम ज्यादा है, ये उसके करीब है। अल्लाह करीम ने वालदैन का मकाम बतलाने के लिए अपने बिल्कुल साथ मुत्तसिल जो है उनको अटैच कर दिया कि ऐ नौजवानों, ऐ इंसानों, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर फर्ज करार दिया गया कि अल्लाह की इबादत के बाद सबसे पहला नंबर किसका है? बुलंद आवाज़ से कहो, परेशान न हो, इंशाल्लाह यहाँ पुलिस नहीं आएगी। बुलंद आवाज़ से कहो, वालदैन का। वालदैन को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया। आज का मुसलमान, आज का नौजवान वालदैन से गुफ्तगू करने का तरीका सलीका भी नहीं सीखता।
वालदैन से बात करने का तरीका भी नहीं है, वालदैन के मकाम का इल्म ही नहीं है। अल्लाह करीम ने तरीका भी बतलाया, अल्लाह ने सलीका भी बतलाया, बात करने की तरतीब भी अल्लाह ने बतलाई। क्या बतलाई मेरे दोस्त और बुजुर्गो? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। जहां पर अल्लाह करीम के साथ इबादत के अंदर आपने पहला नंबर देना है, उसके साथ साथ जो है आपने वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है, वालदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, अल्लाह करीम ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया कि एक इंसान का वालिद है अगर वो बूढ़ा है, एक इंसान का वालिद है अगर वो जवान है, एक इंसान का वालिद है अगर वो वलीउल्लाह है, एक इंसान का वालिद है अगर वो इन चीजों के अंदर शामिल नहीं गुनाहगार वालिद है। अल्लाह करीम के लाडले पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक तरफ इंसान के लिए अल्लाह का वली खड़ा हो, बहुत बड़ा वली खड़ा हो, जिसने जिंदगी के अंदर जो है कभी बिना जो है कोई इबादत जो है अपने आप से छूटने दी, ना कभी कोई नवाफिल छूटने दिए, ना कोई मुस्तहबात को छूटने दिया, कि वो वली जो है बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार वली है। और एक तरफ इंसान का वालिद खड़ा है, वालिद चाहे गुनाहगार है। अल्लाह करीम के कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक, हदीस पाक के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के हुक्म के मुताबिक वालदैन का मकाम उस औलाद के लिए उस वली से भी ज्यादा है। इतना मकाम है। आज हमारे जो जुर्रियत है या हमारी औलाद है, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको न वालदैन का पता है, न वालदा का पता है, न वालिद का पता है, किसी चीज का इलम नहीं, वालिद के साथ बात करने का इलम नहीं। हदीस पाक के अंदर आता है, दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे और आपके महबूब पैगंबर आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर महबूब रब जुल जलाल बुलंदवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया रिजल रब्बी व रिजल वालिदी व सखतुल रब्बी व सखतुल वालिदी, के ए इंसान, ए नौजवान, ए औलाद, अपने आप को अगर परखना चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, तो अपने वालदैन के अंदर परख ले। अगर तेरा वालदैन तुझसे, तेरे वालदैन तुझसे नाराज हैं, तो मेरे और आपके महबूब पैगम्बर की प्यारी जुबान मुबारक से बुलंदवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान मुबारक से अल्लाह करीम ने ऐलान करवा दिया कि रिजल रब्बी व रिजल वालिदी, अगर किसी का वालिद राजी है तो वो 100% समझे कि अल्लाह मुझसे राजी हैं। व सखतुर रब्बी व सखतुल वालिदी, अगर कोई इंसान जो है उसके वालदैन उससे नाराज हैं, तो चाहे वो तहज्जुद गुजार है उसके बावजूद उसका रब उससे नाराज है। इतना मकाम है वालदैन का। आज के मुसलमान को इलम है इस बात का। आज का मुसलमान ओए कहने के बगैर बात नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह माफ़ फरमाए, आपके यहाँ तो माशाल्लाह जो औलादे हैं वो समझदार हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वालदैन को मारते हुए औलाद को, कि वो गरेबान पकड़ कर मारते हैं। लेकिन ये मुसल्लम बात है, हदीस पाक की रूह से पक्की बात है कि अगर जैसा वालदैन के साथ करोगे वैसे ही जो है आपके साथ कल बाद में आपकी ज़िंदगी में होगा और किया जाएगा। वालदैन का गुनाह और नाफरमानी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में उसकी सज़ा मिलकर रहती है, आखिरत में जो सज़ा है वो तो अलहदा है, दुनिया में मिलकर रहती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे और आपके महबूब पैगंबर आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर महबूब रब जुल जलाल बुलंद आवाज से कह दो और बुलंद आवाज से, अहादीस मुबारक के अंदर ये बात मौजूद है कि एक इंसान जब जुबान से अपने जो लफज निकालता है, ये फरिश्ते सुनते हैं, उसको लिख लेते हैं, फिर जुबान से जो लफज निकालता है, फिर ये फिजा के अंदर ये लफज मौजूद है, क़यामत तक गूंजता रहेगा। जो इंसान अपनी जुबान से जो लफज निकलता है, ये दीवारें सुन रही हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जो लफज निकाला है आपके इस दौरान जो है, जो चीज भी मौजूद है, हर चीज कल क़यामत में मेरी और आपकी गवाही देगी अल्लाह के हुजूर के सामने। अल्लाह के सामने ये गवाही जो है दीवारें भी अता करेंगी, ये गवाही जो है ये फरिश्ते भी देंगे, ये गवाही रजिस्टर भी देंगे कि इन इंसानों ने सोहने नबी पर दुरूद पढ़ा था।
आपके अकीदा यकीन है तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। उस्ताद जी कितना वक्त रह गया? दो बजे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे और आपके महबूब पैगंबर आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर महबूब रब्बे जुल जलाल बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकाम भी मुझे और आपको बतलाया, वालदैन का मकाम भी मुझे और आपको बतलाया, मुआशरे की बात भी मेरे और आपके लिए अल्लाह के लाडले पैगंबर ने जो है अता कर दी, बतला दी। क्योंकि मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जमीन से नीचे जो मखलूक है उसके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जमीन से नीचे जो मखलूक है उसके भी मेरे और आपके महबूब पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है। क्योंकि जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां तक मेरे और आपके महबूब पैगंबर की रिसालत है, और ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है, मेरी और आपकी खुशकिस्मती है। इसी खुशकिस्मती पर एक बात बता के फिर वक्त ख़त्म होता है आपको, यानी कि मैंने भी जुमा पढ़ना है, आपने भी, तो बात ख़त्म करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने उलमाए कराम से सुना होगा कि जिस वक्त मेरे और आपके महबूब पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद किया, मेराज पर तशरीफ ले गए जब भी अपनी उम्मत को याद किया, इस दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आया जब भी अपनी उम्मत को याद किया, माशर के अंदर भी अपनी उम्मत को याद करेंगे, माशर के अंदर भी जब तक उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वादा नहीं होगा, तो मेरे और आपके महबूब पैगंबर सर सजदे के अंदर डालकर जो है अपने महबूब पैगंबर अपनी महबूब उम्मत के लिए दुआ कर रहे होंगे, अपने महबूब पैगंबर अपनी उम्मत के लिए जो है मेरे और आपके रब के सामने इल्तजा कर रहे होंगे, मेरे और आपके रब के सामने जो है अल्लाह करीम के लाडले पैगंबर हमारी मगफरत की दुआ कर रहे होंगे। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, जो कि मामूली बात नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी उम्मत में शामिल हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। उलमाए कराम से आपने सुना होगा कि पहले नबियों से जिस वक़्त अल्लाह करीम ने सवाल किया तो अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम ने जवाब के अंदर अल्लाह के सामने अपनी ये इल्तजा पेश की कि मौलाए करीम हमें रिसालत और नबूवत की बजाय अगर आखिरी जो पैगंबर हैं उसकी उम्मत में शामिल कर दें तो रिसालत से बढ़कर हमारे लिए ये फख्र होगा। ऐसे ही बात है या नहीं? सुनिए उलमा, तो आपको तो अल्लाह ने बगैर दरख्वास्त के, आपको अल्लाह ने बगैर इल्तजा के, आपको अल्लाह ने बिन मांगे अपने महबूब पैगंबर की उम्मत में जो है शामिल फरमा दिया। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं तो हरनौली के अंदर जो है अपने साथियों से दो नफल शुक्राने के पढ़वाता हूँ कि आप दो नफल शुक्राने के पढ़ें और अल्लाह के सामने सजदा करें, अल्लाह से दुआ मांगे कि मौला करीम तेरा इतना बड़ा एहसान है जिस एहसान का बदला हम नहीं दे सकते, इस जान के अंदर जितनी नेमतें हैं इससे भी बढ़कर ये एहसान है कि अल्लाह करीम ने हमें आखिरी पैगंबर की उम्मत में शामिल फरमाया। है या नहीं है? आपका अकीदा है, आपका ये जहन तस्लीम कर रहा है, तो आपके अंदर से कौन कौन शुक्राने के दो नफल अदा करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएंगे। इंशाल्लाह सब करेंगे, और हक बनता है, बनता है, क्योंकि अल्लाह के लाडले पैगंबर की बड़ी शान है और उसकी वजह से अल्लाह ने हमें भी बड़ा मकाम अता किया है उम्मत को। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के लाडले पैगंबर ने इरशाद फरमाया कल रोजे माशर के अंदर 120 सफ़े होंगी, उन 120 सफ़ों के अंदर 40 सफ़े सारे के सारे अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम की होंगी, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक कमोपेश 1,00,000 जो है 24,000 अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सारे के सारे अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम की 40 सफ़े होंगे, मेरे और आपके महबूब पैगंबर
अकेले जो हैं उनकी 80 सफ़े होंगी, यानी आपकी उम्मत ज़्यादा होगी। फिर सिर्फ ज़्यादा होना ये कोई कमाल नहीं, लेकिन अगली बात पे तवज्जो फरमाएं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे और आपके महबूब पैगंबर आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर महबूब रब जुल जलाल बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने के बाद जो है ना हजरत आदम की उम्मत को हुक्म होगा, ना हजरत नूह की उम्मत को हुक्म होगा, हत्ता के ना हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम किसी उम्मत को हुक्म नहीं होगा। सारी उम्मतें खड़ी होंगी, सबसे पहले अगर हुक्म होगा तो मेरे और आपके महबूब पैगंबर के प्यारे रफीके सफर जो हमारे उम्मती भाई हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को हुक्म होगा। इतनी शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की और इतना मकाम है इस उम्मत का कि कोई इंसान नबियों के बाद इस उम्मत में से, पहली उम्मतों से कोई भी इंसान जो कदम जन्नत में पहले रखेगा वो हुजूर अलैहिस्सलाम को उम्मती होगा। इतनी शान है आपका और मेरा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम तो अपनी बात समझते नहीं, अपना मकाम समझते नहीं कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ मकाम अता किया है। आज हम काफरों के, आज हम यहूदो निसारा के, आज हम हिंदू के, आज हम मुखालिफीन की प्रापगंडा है, मुखालिफीन का वावेला है, मुखालिफीन का शोर है, मुखालिफीन की चमक धमक जो उन्होंने हमें दिखाई है उसमें मगन होकर हम अपनी हकीकत को भूल गए हैं। आज हमें अपना पता नहीं कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ अता किया, अल्लाह ने हमें कितना मकाम अता किया, अल्लाह ने हमें क्या कुछ अता किया, हमें पता ही नहीं। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि पहले उम्मतियों के अंदर अगर कोई रात को गुनाह करता, फरिश्ते आते जो है उसके दरवाजे पर लिख कर जाते कि इस इंसान ने रात को जिना किया था, इस इंसान ने रात डकैती की, इस इंसान ने रात चोरी की, इस इंसान ने फला रात जो है गुनाह कर दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सुबह वो इंसान उठकर जिस वक्त बाहर आता गली के अंदर, गली पर उसका नाम लिखा होता, उसके वालिदैन का नाम लिखा होता, उसका गुनाह लिखा होता, वो इंसान जो है ब्रश लेकर जो है रंग लेकर उसको मिटाना चाहता, वो मिटता नहीं, उसको रगड़ कर मिटाना चाहता, वो मिटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से रात के गुनाह को सुबह फरिश्ते लिख कर गए। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह की इतनी रहमत है, इस उम्मत पर अल्लाह का इतना करम है, इस उम्मत को अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा है, इस उम्मत की अल्लाह ने इतनी कदर की है कि अगर ये उम्मत ही सारी रात गुनाह करता रहे सुबह फिर भी मुअज्जज बनकर बाहर आ जाता है। ऐसे है या नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो दोस्तों आप और मैं, हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि हमें जो है अपनी कदर पहचाननी चाहिए और अपने नबी की अजमत को अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। अगर नबी की अजमत सामने आ जाए, अगर नबी का मकाम सामने आ जाए, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम पूरी दुनिया को एक तरफ रखते हैं, अपने नबी के मकाम को हम जो है सबसे पहले अव्वल फुर्सत में और अव्वल सीट पर सबसे पहले जो है हम अपने नबी को अपने दिल में बसाएं। ऐसी बात है या नहीं है? अगर हमारे दिल में या हमारे माशरे में नबी का मकाम उजागर होता हकीकी मानों में, जुबान से नहीं, जुबान से जो है हम जो दावे करते हैं और मौत के नारे लगाते हैं, जुबान की बात नहीं हकीकत की बात कह रहा हूं, अगर हकीकत में हमारे अंदर नबी की अजमत और मोहब्बत होती तो आज काफिर नाउज बिल्ला हमारे नबी के खाके शाय करता, उसको जुर्रत नहीं थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मेरे नबी की मोहब्बत हमसे तकाजा ये करती है कि जो नबी के दुश्मन हैं हम उनका हर लिहाज से बायकॉट करें। ये तकाजा करती है मोहब्बत आपकी या नहीं करती? आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार हैं या नहीं हैं? आपके दिलों के अंदर मोहब्बत है या नहीं है? जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत है वो जरा हाथ खड़ा करके बतलाए। माशाल्लाह, सब सच्चे आशिक रसूल हैं। अब इस मोहब्बत का तकाजा क्या है कि जो नबी के दुश्मन हैं फ्रांस वाले,
नबी के दुश्मन हैं अमेरिका वाले, नबी के दुश्मन हैं इसराइल वाले, नबी के दुश्मन हैं हिंदुस्तान वाले, जो दुश्मन हैं यहूदो निसारा हैं, या जो भी नबी का दुश्मन है, अगर हम अपने जुलूस निकालेंगे, हम अपने शहर की अपने मुल्क की तोड़ फोड़ करेंगे, ये मोहब्बत है या उनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे, ये मोहब्बत है। किस चीज में मोहब्बत है? बाइकाट करने में मोहब्बत है या जुलूस निकालने में ज्यादा मोहब्बत है? क्यों? हमारा जुलूस निकलेगा, उनको कोई नुकसान और नफा नहीं है, सिर्फ फकत क्या होगा कि हमारा जुलूस निकलेगा, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, उसको नेट पर चढ़ा देंगे और वहां बैठकर बजाय इसके कि वो इससे कोई असर लें, हमारा तमस्खर उड़ाएंगे, हमारा मजाक करेंगे कि देखो हमने एक छोटी सी शुरली छोड़ी है और वो अपने कारोबार बंद करके फिर रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा या कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनको नुकसान होगा तो मसनूआत की बाइकाट का नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस मसनूआत की बाइकाट का आप इरादा रखते हैं? वादा तो मैं नहीं लेता क्योंकि मस्जिद में बैठे इंसान है, भूल जाता है। इरादा रखते हैं? इरादे पर भी एक नेकी मिलेगी जिसकी कल क़यामत में कदरों कीमत है, और इतनी कदरों कीमत है कि बाज़ मर्तबा वो एक नेकी इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब बन सकती है। उलमा से आपने सुना है भी एक नेकी के इवज एक इंसान जन्नत में जाने से रुक रहा होगा, उस एक नेकी जब कोई इंसान उसको देगा जिसके पास एक ही नेकी होगी, तो अल्लाह उस एक नेकी के इवज दोनों इंसानों को, नेकी एक है, दो इंसान जन्नत में जा रहे हैं। तो आप इरादा रखते हैं? इरादे का आप हाथ खड़ा करें, इरादे का, वादे का नहीं, जो वादा था उसका वादा कराया, इंशाल्लाह ये नेकी हमारे काम आएगी। और फ्रांस की जो मसनूआत हैं, जैसे हमने देखा है मीडिया पर, तुर्की वाले और इसके अलावा जो है लीबिया वाले, इसके अलावा और जो लोग हैं, नाम मेरे जहन में नहीं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने मसनूआत का इस तरीके से बाइकाट किया कि फ्रांस की मसनूआत को छोड़ दिया है। हमारे जो गाड़ी वाले साथी हैं वो टोटल पेट्रोल पंप को याद रखें, ये फ्रांस का है। ऐसे ही एक जीरा बिस्कट है जो एल यू के साथ, लो के साथ आता है, जो भी चीज, ये भी फ्रांस की मसनूआत में शामिल है। और इस 100 रुपए पर 25 रुपए, हमारी मालूमात के मुताबिक, वैसे अल्लाह बेहतर जानता है, 100 रुपए पर 25 रुपए जो नफा है वो मेरे और आपके नबी के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो आपके 100 रुपए नफे में से अगर 25 रुपए आप ही के दीन के खिलाफ इस्तेमाल हों, तो कल मैं और आप अपने महबूब पैगंबर के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? कल क़यामत में मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने हमारी सिफारिश करनी है, शफात करनी है। कुरान कहता है मंजल्लदी यशफा इंदहुल्ला बिदनी, अल्लाह के हुक्म से जब शफात होगी तो हम जन्नत में जाएंगे, अगर हमारी शफात ना हुई तो वहाँ फिर दो ही मकाम है, या जन्नत है या जहन्नम है। शफात ना हुई तो जन्नत का दाखिला तो बंद होगा, तो फिर कौन सा दाखिला मिलेगा? ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। क्यों? आप आज अपने नबी का ख्याल करोगे, अपने नबी की मोहब्बत के अंदर अपने नबी के दुश्मनों को पहचानोगे, तो इंशाल्लाह कल क़यामत के अंदर हमारा बेड़ा पार होगा, कब्र में बेड़ा पार होगा, हशर में बेड़ा पार होगा, जन्नत में आला मकामात मिलेंगे। अगर हम अपने नबी की कदर को नहीं पहचानेंगे, दुनिया में भी जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी होगी, कब्र में भी जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी होगी, हशर में भी जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी होगी। बस इसी में ख़त्म करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह करीम जो कुछ कहा है और जो कुछ सुना है इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आपका सुनना और मेरा सुनाना, अल्लाह करीम इसको हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। बुलंद आवाज़ से कहो आमीन। ज़ुबान हिलाने के अंदर जो है आप कंजूसी न किया करें। अल्लाह करीम इस मुख्तसर से वक़्त में जो अल्फाज कहे हैं, अल्लाह करीम उनमें इखलास पैदा फरमा के, अल्लाह करीम इसके ज़रिए हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।